एसकेएम 91 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के तहत पवन नामी नौजवान पर चंद शरपसंद नौजवानों ने किया मोहलिक हथियारों से जानलेवा हमला। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के तहत सब्जी मंडी के इलाके में पवन नामी नौजवान जो कि रामदिगुड़े के रहने वाले बताए गए, पवन पर तकरीबन 3 से 4 नामालूम शरपसंद हमलावरों ने मोहलिक हथियारों से अंधाधुंध तरीके से हमला करते हुए इसे जख्मी कर दिया। जख्मी पवन के मामा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इनके भांजे पर चाकू से हमला करते हुए इनके भांजे को शदीद तौर पर जख्मी कर दिया गया। फिलहाल पवन जो कि उस्मानिया हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि लड़की से मोहब्बत की चक्कर में ये जानलेवा हमला किया गया। बहरहाल मुतासरीन ने कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन में इस वाकये की एक शिकायत भी दर्ज करवा दी है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए हमलावरों के खिलाफ मजीद जावियों से तफ्तीश भी शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस खसूस में मजीद तफसील। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर शेख जहांगीर की यह खसूसी रिपोर्ट। एसकेएम 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर खास और अहम खबर को देखने के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल एसकेएम 91 को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। हमारे भांजे को मार दिया साहब, वो बच्चा रामदेवगुड़ा में रहता, सब्जी मंडी में बुलाते क्या करे, बच्चे को चाकू से मार दिया ना। 4 बच्चे, 3 बच्चे गाड़ी पे आए, 2 और अलग है। आज तो एक बच्चा स्कूल ड्रेस पे, गवर्नमेंट स्कूल ड्रेस पे है, 2 बच्चे बगैर ड्रेस पे, और 2 बच्चे बगैर ड्रेस पे, 2 बच्चे ऐसे पे, 2 बच्चे ड्रेस पे। तो आगे उनके जाकर के बच्चे को मारते भाग गए, वो भागने से क्या होगा, और एक बच्चा कहाँ जा रहा है, इन्हें हमारा भांजे को ऊंचा उतर के ऐसा लगा करके चाकू से मार दिया, अंतड़ी पूरा बाहर आ गए। बोला ऐसा मार दिया, बिफिन पड़ने का आया था कि ना भागे, तूने क्या करा, वहां नहीं रुकोला, डायरेक्ट दुश्मन आ गया, आगे वहां आगे यहाँ पर एडमिट हो गए। हमारा जो बच्चा बोलते, हमारा बच्चा बोलते फिर भाग गया वहां। अब अंदर ट्रीटमेंट चल रहा साहब, मैडम लोग बोल रहे अंतड़ी कर गए, क्या कर गए नहीं मालूम, और कंट्री नहीं हो तो ट्रीटमेंट अच्छा होता साहब, नहीं तो गारंटी नहीं है, बोलते बोल रहे सब लोग। लॉ फेयर अपने नहीं मालूम सब, एक बार केक भी लाए थे, बच्चे पुछे पूछा ना होगा, बच्चे पूछता तो आया होगा, अपने नहीं मालूम सोचता नहीं, फिर आप आया होगा फिर क्या करा, लॉ फेयर है नहीं फेयर है नहीं मालूम, उनकी बच्ची बात करे वो करे बोल रहे वहाँ, अगर अपने नहीं मालूम ना भैया देखेंगे वो कौन है। हमारे भांजे, हमारे बहन के बच्चे, लक्ष्मीकांत है मेरा नाम, मैं सब्जी मंडी ऊपर बस्ती में रखूंगा।